अभीरा और रूही फाइनली इन दोनों में से किसके हाथ को थामेगा अरमान। मैं आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब एक तरफ रूही है, एक तरफ अभीरा है, अब इन दोनों में बीच में फंस गया है भाई अरमान। अरमान लास्ट में किसका साथ चुनेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा, लेकिन सीरियल में क्या होने वाला है चलिए डिटेल में बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें प्रोमो की, तो अभीरा जो है हॉस्पिटल में नजर आ रही है, लेकिन अभीरा हॉस्पिटल पहुंची कैसे, कैसे उसे चोट लगी ये भी बताते हैं। दरअसल होगा ये कि अरमान जो है भाई गाड़ी चला रहा होता है, जहां ड्राइविंग के टाइम पर उसको रोहित की याद आती है कि कैसे रोहित की फोटो पर सबने माला चढ़ा दी है, सबने मान लिया है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारी चीजें अरमान को परेशान कर रही होती है। तभी रूही का कॉल भी आता है और अचानक से अरमान जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार एक ऑटो से टकराने वाली होती है, लेकिन वो ऑटो में कोई और नहीं बल्कि अभीरा बैठी होती है। अब अभीरा जैसे ही देखती है कि अरमान की कार आ रही है, तो अभीरा खुद की जान जोखिम में डाल देती है और खुद के ऑटो को साइड में हैंडल पकड़ के टक्कर करवा लेती है, जिस वजह से अभीरा को चोट लगने वाली है और तभी अभीरा जो है हॉस्पिटल में पहुँचने वाली है। अब अभीरा जो है हॉस्पिटल में तो पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे रूही जो है अरमान को पकड़ के खड़ी है और कहती है, अरमान मुझे पता है तुम मानव से जानबूझकर नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि अगर तुम्हें मानव पसंद आ गया तो मुझे शादी ना करनी पड़े, और तुम तो मेरी शादी किसी और से होते हुए देखना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अरमान कुछ कहता इतने में ही एक कॉल आ जाता है और अरमान जैसे उस कॉल पर सुनता है अरमान भागता हुआ चला जाता है। रूही वही खड़ी हो जाती है, अरमान कहीं और नहीं बल्कि अभीरा के पास गया है, जहां अभीरा हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इन दोनों की वहां पर भी फाइट होने लगती है, जहां अभीरा कहती है तुम मुझे केस लड़ने से रोकना चाहते हो ना, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। वहीं अभीरा को अरमान शांत कराता हुआ नजर आता है, लेकिन अभीरा कहती है तुम इतना बनो मत, तुम मेरे सचमुच वाले पति नहीं हो। इस पर अरमान चिल्लाकर बोलता है मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और तभी एक बेड वाला मोमेंट आता है, जहां दोनों नजदीक आ जाते हैं और फिर पीछे से आ जाती है रूही। जैसे ही रूही इन दोनों को देखती है, रूही के तो चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं, रूही इन दोनों को देखते ही रह जाती है। यानी कि अब आप देख सकते हैं, एक तरफ अरमान रूही एक फ्रेम में थे, दूसरी तरफ अरमान अभीरा एक फ्रेम में। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, एट दी एंड अरमान किसका साथ चुनने वाला है। और जो सवाल रूही ने पूछा था कि अरमान उससे अब तक प्यार करता है या नहीं, इस बात का जवाब क्या होगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप किसको किसके साथ देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की ढेर सारी टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।